जो मैं विधानसभा के बजट सेशन इजलास के दौरान मैं ये मांग की सी, बेनती की सी कि तुसी 30 मिनट वास्ते सदन की कार्रवाई के लिए वाधा कर दो, इस मुद्दे से बहस करा लो, जहां मैं 10 मिनट टाइम भी दे दो, मैं ही अपनी गल रख दें, उसको बाद की हुए, उसको बाद कुछ समय बाद मैं पता लग गया कि मेरे ते मेरे सहयोगियों के फोन टेक्ट किए जा रहे हैं, सरकार अपनी सरकार अपनी। मैं परगाड़ी की गल रखता हाँ, बाबल कला कोटकपुरा की गल रखता हाँ, फोन टैपिंग शुरू हो, और मैं राघव चड्ढा जी को भी फोन कि तुसी पता करो कि तुसी करवाया है, केजरीवाल साहब ने करवाया है, कि मान साहब ने करवाया है, किसी ने करवाया है, मेरे को पुख्ता सबूत से ये करवाया किसने, अफसर ने अपनी मर्जी के नाल किया, सामने नंबर बढ़ाने वास्ते दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उन्होंने एक एसपी की बदली कर दी, इंटेलीजेंस के विच एक एसपी सीगा उहदे बदली कर दी, तो ठीक है जी मामला तुसी फोन टैपिंग ते आ गए, सिर्फ इस करके कि मैं जनता के हक सख्त की गल विधानसभा के रख दी, मैं ड्रग्स की गल की थी, बरगाड़ी बेदबी की गल की, पानी की गल की, तो तुसी फोन टैपिंग कराओ फिर डी जी पी साहब के नाल, मैं तो ये बती रख सकती हूँ। राजनीति दे विच एक साइकल एक चक्कर चलते रहता है, पावर कदों किसके हाथ के विच आवे तो तुसी अखां दे विच आंख मिलाउण दे काबिल, रश को इस तरीके दे नाल काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो मैं मुद्दे की गल करता हाँ तो अपनी सरकार दे विच जी मेरे ते तसद्दुद हुंदा है, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करा, उसकी परवाह न करा, हर तसद्दुद सुनने वास्ते मैं तैयार हूं। हफ्ता पहला मैं आया सी सरदार साहब सुनी दी, अज की तारीख भी तुम देखोगे 10 तो लेकर 15 तक बड़े अफसर ने जिन्होंने सुखबीर बादल को बर्बाद किया, प्रकाश सिंह बादल को आखिर आखिर के लिए जाकर उन्होंने हरा के उपर के लिया, वही अफसर किया सलाहकार बने, कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसी काबिल छड़िया नहीं, हूँ साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, जी साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, ठीक है कि नहीं, साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, ठीक है साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, वही 8-10 अफसर पुलिस वाले बोले हर सरकार के भी प्रमुख बन गए, लीडर की ऐसी रीत ऐसी कर, तो वो जरा अफसर सीगा मैं उन्हें फोन किया कि भराओ यह गल चंगी नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, मैं मुद्दे के नाल हमेशा इस मुद्दे के नाल अपनी पार्टी के लीडर भी कहा कि इस केस में तुम सियासी तिरंगत नहीं देनी, जो कर सकते हो वही वायदा करना, वायदे किए गए, जेकर मैनू वायदा किया गया कि तुहाडी जो रिपोर्ट खारिज हुई कोर्ट को पूरा वाली असी बहाल कराऊंगा, लेकिन कोई गलबात मेरे नाल नहीं की गई, चिट्ठियां लिख लिख के मैं लेंदा रहा, दो दिन पहला भी एक चिट्ठी लिखी है, तुम सारे पढ़ सकते हो, एक अक्षर उसके विच गलत हुए तो मैं इतने दस दूँ, काफी मेरे को है तुम पढ़ सकते हो, जो सरकारी वकील होंगे ने जिले के ये तो उसी को सारे चिट्ठी लिखी, एक अक्षर जिधर गलत हो इतने मैं दस दो, मैं विधायक की तो इस्तीफा दे दूंगा, विधायक की तो इस्तीफा, मैं कोई लोड़ नहीं है किसी चीज की लोड़, अब हम सरकार के वकील दोषी दे वकील दोषी इधर जी असी कले भी इस पास, जो तो सारे ताकतवर एक पास होंगे ने ते असी दूजे पास होंगे, तो उहदे विच भी बहुत चंगा महसूस होंदा है जी, ये लड़ाई भी लड़ाई है। मैं हाई कोर्ट के विच एक एफिडेविट दित्ती सी, मैं कहा सी कि जेकर इंसाफ मिल गया तो पंजाब की जनता ने 100 साल का इस बेअदबी के इंसीडेंट में याद रखना है, तो जेकर इंसाफ नहीं मिलता तो 400 साल का हूँ चाल खेडी गई है, इस मुद्दे को ही खत्म कर दो जी, इस मुद्दे को खत्म कर दो, लेकिन की तुम समझते हो कि मुद्दा खत्म हो जाएगा, बोलो नहीं हो जाएगा, मुद्दा नहीं खत्म होना। मैं हाईकोर्ट के विच एक एफिडेविट लिखी, मैं कहा कि जेकर इंसाफ मिल गया तो पंजाब की जनता ने 100 साल का इस बेअदबी के इंसीडेंट में याद रखना है, तो जेकर इंसाफ नहीं मिलता तो
चार सौ साल तक हूँ चाल खेडी गई है इस मुद्दे ही खत्म कर दो इस मुद्दे खत्म कर दो लेकिन की तुम समझते हो कि मुद्दा खत्म हो जाएगा बोलो नहीं हो जाएगा मुद्दा नहीं खत्म होना तुसी कोई और मुद्दा सामने जरूर लिया दोगे लेकिन यह मुद्दा चलते रहना ता ही मैं सारियां नूं अपनी सरकार नूं भेजी बिल्कुल अपनी सरकार नूं भी मैं बार बार बोलता हूं कि इस मुद्दे दरकिनार ना करो जेकर मान लो तुसी इन्ने ज्यादा हाजी हो गए एडवोकेट कर सकता है इन्होंने केसों के नहीं एडवोकेट जिन वो अकील होंगे ने हाई कोर्ट के प्राइमेसी मिलती है बोलने वास्ते जो एडवोकेट जनरल खड़ गया हक होंगे कि बाकी सारे वकील बैठ जाते हैं एडवोकेट जनरल बोलता है इन्होंने केसों के एडवोकेट जनरल नहीं बोल सकता भी काबिल जो फाइल वे आऊगी तो वो एडवोकेट जनरल पहला अपने वालों जो दलील पेश की गई वो देखूगा कि हम नवे सिरों सरकार की तरफों कोई काम करो एक व्यक्ति की लॉयल्टी दो तरफ नहीं जहां तो तुम इधर हो जहां कानून भी यही कर इस करके देखो मैं ये नहीं कहना कि ना कोई प्रोटेस्ट करो कुछ करो इस चीज में तुम याद रख लो कि 14 तरीक में कुछ होया एक जून में गुरु जवाहर सिंह वाला दे विच कुछ होया ठीक एक क्यों मनुखता वास्ते याद रखना जरूरी मनुखता वास्ते एक क्यों कराया गया ये अपने आप नहीं होया कराया गया उन्हें लोगों ने कराया जिन्हें लोगों के हाथ के विच तुसी कमांड दी सी इस करके आज जो लड़ाई चल रही है तुसी कहोगे कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच अपील रख दी थी तो तुसी कोर्ट कचहरियां के विच क्यों जा रहे हो निजी वकील बोलो इंसाफ तो उन्होंने ही करना है लेकिन ये जी लड़ाई है ये सारे जड़े मुद्दे ने आने वाले समय के एक बंदे की लड़ाई उसके संघर्ष उसके स्ट्रगल के नाते जानी जाऊगी गुरु साहब जब इस उपर जाओगे वो कहेंगे कि हाँ जी तू चंगी लड़ाई लड़के आया लड़ाई चंगी लड़के आया तो सा फर्क की है लड़ाई लड़ना जी जो तक साथ चल रही है लड़ाई लड़नी है जी असी लड़ाई लड़नी है 16 तरीक मैं ना मेरे वकील जा सारे असं हो फरीदकोट की अदालत ऐसी लड़ाई के कोई कमी नहीं छड़नी उपर जावे तो गुरु महाराज इन्हों को हाँ जी तू भी बैठ बैठ लड़ाई तो लड़नी है और बहुत चंगा लगता है जो तो सारे ताकतवर एक पास होंगे ने असी दूजे पास होंगे तो वो भी बहुत चंगा महसूस होंगे है जी ये लड़ाई भी लड़ाई है ठीक है भावे मुगल फौज लखा की संख्या के एक पास होंगे सी और पांच सिंह इधर होंगे सी असी वो चीज बैठते हैं वो पढ़ते हाँ सुनते हैं साढ़े मन के बीच भी आता है लड़ाई लड़नी चाहिए अब हम सरकार के वकील दोषी इधर जी असी कले जी इस पास तुम आकर देखो ना 16 तरीक को फरीदकोट के मान जो बदल और सरदार साधु सिंह जी ने भी मैं बेनती करा कि तुम आके कहो कि बराबर दे तुसी भी पीड़ित हैं और उत्थे जाके अपना भी कोई दलील पेश करो कि कोई एक व्यक्ति ये ना क्लेम कर सके कि वही सिर्फ पीड़ित है तुसी भी उस अदालत के विच खड़ जाओ क्योंकि लड़ाई लड़नी होती है और ये सारी दुनिया देखूगी कि लड़ाई किस तरीके दे नाल लड़ी जाती है लड़ाई किस तरीके दे नाल लड़ी जाती है एक सिर्फ होर गल तुहाडे सामने मैं रखा जो मैं विधानसभा के विच बजट सैशन इजलास के दौरान मैं ये मांग की सी बेनती की सी कि तुसी 30 मिनट वास्ते सदन की कार्रवाई के विच वाधा कर दो इस मुद्दे से बहस करा लो जहां मैं 10 मिनट टाइम भी दे दो मैं भी अपनी गल रख दूं
उस तो बाद की वैल्यू, उस तो बाद कुछ समय बाद मैं पता लग गया कि मेरे ते मेरे सहयोगियों के फोन टेक्ट किए जा रहे हैं, सरकार अपनी, सरकार अपनी। मैं परगाड़ी की गल रखता हाँ, बाबल कला कोटकपुरा की गल रखता हाँ, फोन टैपिंग शुरू हो जाती है उधर के एडी की इंटेलिजेंस जिसके अंदर यह सारा कुछ होता। बंदा परगाड़ी का रंग बदल जाए, बंदा परगाड़ी का रंग बदलने रिटायर कर उदो जो बेदबियां होंगे पहले ही पता लग जाता है। तरन तारण के बेदबे होंगे सी, मैं बतौर डी आई जी बाद पहुंचता सी, वो पहला किस तरह पहुंच जाता। वो शख्स है साढ़े पुलिस के लिए, मैं बार बार बोल रहा कि 99% चंगे लोग, 1% या 8% लोगों ने पंजाब पुलिस में बदनाम किया। अज की तारीख भी तुम देखोगे 10 से लेकर 15 तक बड़े अफसर जिन्होंने सुखबीर बादल को बर्बाद किया, प्रकाश सिंह बादल आखिर आखिर के लिए जाकर उन्होंने हरा कर उपर चलिया, वही अफसर किया सलाहकार बन कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे काबिल छड़िया नहीं। हूँ साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, जी साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, ठीक है कि नहीं, साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, ठीक है, साड़ी सरकार के भी प्रमुख बन गए, वही 8 का 70 पुलिस वाले बोले हर सरकार के भी प्रमुख बन गए लीडर की ऐसी रीत ऐसी। तो वो जरा अफसर सीगा, मैं उन्हें फोन किया कि भराओ यह गल चंगी नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, मैं मुद्दे के नाल हमेशा इस मुद्दे के नाल। और जो लोग एक कहते हैं कि असी सरकार के नाल, वो सरकार के दुश्मन पार्टी के दुश्मन, उन्होंने पल्ले कुछ नहीं है, मायने नहीं रखते साडे वास्ते, मुद्दा मायने रखता साडे वास्ते, लोग मायने रखते हैं साडे वास्ते, पंजाब मायने रखता है साडे वास्ते, हिंदुस्तान मायने रखता है, ठीक है, कोई व्यक्ति मायने नहीं रखता। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी की हाजिरी के लिए मैं उन्होंने कहा कि देखो चंगा तुम नहीं और असं भी छड़ना नहीं है, तो मैं भी कह दिया असं भी छड़ना नहीं है। तो मैं एमएलए हूं, तुम मेरा जहाँ मेरे सहयोगियों का फोन टेप कर रहे हो, उतों मैं 5 साल नौकरी करके नौकरी छी, मैंने तो मिनट मिनट का पता लग जाता। तुम फोन टैपिंग से आ गए हो सिर्फ इस करके कि मैं जनता के हक सख्त की गल विधानसभा के बीच रखती, मैं ड्रग्स की गल की थी, बरगाड़ी बेदबी की गल की थी, पानी की गल की थी, तो तुम फोन टैपिंग कराओ फिर डी जी पी साहब के नाल मैं गल ये वती रख सकती। राजनीति दे विच एक साइकल एक चक्कर चलते रहता है, पावर कदों किसके हाथ के विच आवे तो तुसी अखां दे विच आंख मिलाउण दे काबिल हो। रश को इस तरीके दे नाल काम करना चाहिए, पुलिस वास्ते कानून है जी, पंजाब पुलिस रूल है कुछ नहीं तो पंजाब पुलिस रूल पढ़ गया। तुसी सियासत दे विच ना पवो केजरीवाल साहब ने करवाया है कि मान साहब ने करवाया है, किसी ने करवाया है, मेरे को पुख्ता सबूत से करवाया किसने, अफसर ने अपनी मर्जी के नाल किया सामने नंबर बढ़ाने वास्ते, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने एक एस पी की बदली कर दी, इंटेलीजेंस के एक एस पी से बदली कर दी, ठीक है जी मामला, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो मैं मुद्दे की गल करता हाँ तो अपनी सरकार के मेरे तिर तसद होंदा है, लेकिन मैं उसकी परवाह ना करा, उसकी परवाह ना करा, हर तसद सुनने वास्ते मैं तैयार हूँ। हफ्ता पहला मैं आया सी सरदार साहब सिंह जी, मैं इन्होंने यही पूछा कि तुम देखो बहुत सारे लोगों ने अपना अपने ईमान की कीमत लगा ली, तुम किस स्टैंड पर हो, मैंने बहुत
सेटिस्फेक्शन होया मैंने क्या मैं उसे स्टैंड पे खड़ा बोले उसे स्टैंड पे खड़ा जो श्री अल्लाह इन्होंने कहा कि तुम 14 तारीख को जरूर मेरे को आओ अब दास जी सामने मैं सिर्फ कुछ बात कह रहा था कि मैं कोई हेल्प ना को नहीं मांगी कि तुम मेरी हेल्प करो या कुछ करो मैनू बहुत सेटिस्फेक्शन होया इंसानियत का इस करके देखो इन्होंने मैंने कहा कि तुम 14 तारीख में जरूर आओ मैं गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी के आज मैं नतमस्तक होने वास्ते आया हूँ तुम सारे आए हो मेरे नाल भी मेरे बहुत सारे सहयोगी ना ना करते हुए करते हुए भी बहुत सारे लोग आ गए हैं मैं थोड़ा सा ज्यादा धन्यवाद करूँगा और इस लड़ाई में भी देखो मैं पीछे नहीं हटना आखिरी लाइन है मेरी मैं इस लड़ाई में पीछे नहीं हटना है आगे तो आगे जाना है और मैं सामने कोई भी क्यों ना हो जेकर हो सके तो तुसी इस लड़ाई में सहयोग दे दो तो मैं भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस लड़ाई में लड़ाई लड़ने चंगा रहेगा इन्होंने सब के नाम मैं थोड़े सारे का स्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी